नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 10 साल की छोटी उम्र में एक बच्चे ने कमाल कर दिया। 10 साल के बच्चे ने लॉकडाउन में टेलीविजन पर रामायण सीरियल देखकर पूरी रामायण लिख दी। जो भी इस बारे में जान रहा है वह बच्चे की प्रतिभा को देख कर हैरान है। तो चलिए जानते हैं कि क्या खास है इस पिला का रामायण में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 10 साल की छोटी उम्र में एक बच्चे ने कमाल कर दिखाया है। जी हाँ, एक 10 साल के बच्चे ने लॉकडाउन में टेलीविजन पर रामायण सीरियल देखकर पूरी रामायण लिख दी है। आपको बता दें कि रामायण लिखने वाले इस 10 साल के बच्चे का नाम आयुष कुमार खुंटिया है। आयुष ने उड़िया भाषा में महाकाव्य पिलाका रामायण की रचना की है। पिलाका रामायण में कुल 104 पेज हैं। पिलाका रामायण को बच्चों की रामायण भी कहा जा रहा है। आयुष कुमार खुंटिया को पिछले साल मार्च में लागू हुए लॉकडाउन के दौरान उनके अंकल ने रामायण सीरियल देखकर उस पर कुछ लिखने के लिए कहा। तभी से आयुष ने टीवी पर रामायण के सारे एपिसोड देखने शुरू कर दिए और एक एक एपिसोड को उड़िया भाषा में अपनी नोटबुक पर लिखा और इस पिलाका रामायण को लिखने में आयुष को 2 महीने का वक्त लगा है। महाकाव्य पिलाका रामायण लिखने वाले इस 10 साल के बच्चे आयुष ने अपनी किताब में कई अद्भुत घटनाओं जैसे भगवान राम का 14 साल के लिए घर छोड़कर जाना और पंचवटी वन से माता सीता का अपहरण, अयोध्या में भगवान राम के लौटने पर उनके भव्य स्वागत के बारे में लिखा है। आयुष कुमार खुंटिया ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी को पढ़ने लिखने की आदत डालनी चाहिए, इससे आप जीवन की नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटते हैं हमारे सहयोगी अब्दुल करीम की स्पेशल रिपोर्ट वायु प्रदूषण के साथ। आप कहीं मत जाइएगा।